बंदा बोलता मैंने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। कोई बात नहीं, मैंने QR वगैरह दिए उसको, मैंने कहा पेमेंट करो भैया, सर्वर इशू आ रहा है, मैं कैश देता हूँ आपको। मैं ठीक है, तो बंदा कैश लेने के बहाने गया, अंदर से चाकू लेके आया, चाकू दिखा कर मुझे पार्सल छीना, माँ बहन की गाली दी मुझे। अंदर पार्सल लेके गया, फाड़ा फूड़ा, उसमें से कोई गेमिंग रिमोट डाल के, जबकि ड्रोन एक था, जबकि मैंने बोला भी उसको कि सर मैं ओपन बॉक्स डिलीवरी है, ये आपको ओपन करके देता हूँ क्लियरली। मेरे साथ इस समय अजय कुमार हैं और एक दुविधा में ये पूरी तरह से फंस चुके हैं, परेशानी है, और 4 बजे से लेकर अब तक जो है उस परेशानी से जूझ रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अजय जी, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, अभी 4 बजे यहाँ पर यहाँ आए थे और अभी तक आप यहाँ पर खड़े? सर कुछ नहीं, वही मैंने आपको क्लियरली बताया सर, कस्टमर का पार्सल था, मैं गया पार्सल देने, तो बंदा बोलता मैंने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। कोई बात नहीं, मैंने QR वगैरह दिए उसको, मैंने कहा पेमेंट करो भैया, सर्वर इशू आ रहा है, मैं कैश देता हूँ आपको। मैं ठीक है, तो बंदा कैश लेने के बहाने गया, अंदर से चाकू लेके आया, चाकू दिखा कर मुझे पार्सल छीना, माँ बहन की गाली दी मुझे। अंदर पार्सल लेके गया, फाड़ा फूड़ा, उसमें से कोई गेमिंग रिमोट डाल के, जबकि ड्रोन एक था, जबकि मैंने बोला भी उसको कि सर मैं ओपन बॉक्स डिलीवरी है, ये मैं आपको ओपन करके देता हूँ क्लियरली जो कंपनी के इंस्ट्रक्शंस है। तो मैंने ठीक है सर, कोई बात नहीं, अंदर गया बंदा, फाड़ चीर के पार्सल लेके आया, तो उल्टा मेरे को चाकू दिखा रहा है, तो चुपचाप करके गली से निकल जा, नहीं तो सोच ले तेरे साथ क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, कैश होती है हमारे पास, सब कुछ होता है, पार्सल्स महंगे से महंगा होता है। तो मैं चुप रहा, वो एक लड़की और एक लड़का निकले गेट से, उन्होंने वो पार्सल लेके, वो रफू चक्कर हो गए, और बंदा फिर मुझे धमकी देना कि भाई निकल जा चुपचाप, नहीं तो सोच ले अपना क्या होता है। अच्छा, मुझे आपसे ये जानना है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं और पार्सल किसके घर आपने देना था, किस जगह पर देना था? सर मैं ई-कार्ट से जॉब करता हूँ, ई-कार्ट में जॉब करता हूँ, जो फ्लिपकार्ट की कंपनी है। तो ये पार्सल मैं बख्शी कॉलोनी में देना था, मैंने एक करण सिंह के नाम से पार्सल आया था सर ये, तो मैं गली में, गली आप देख सकते हैं, ये गली में पार्सल दिया, वो लास्ट वाला घर है सर, यहाँ पे पार्सल देना था मुझे, मैंने दिया उसको, तो ये इंसिडेंट हो गया सर। अच्छा, वो आपको धमकी दे रहे थे, स्नाइप लेकर बाहर आए हैं जी, स्नाइप लेकर बाहर आए जी, क्या क्या कह रहे थे? तो कुछ नहीं सर, माँ बहन की गाली थी, तू मुझे पार्सल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने उसको बोला भाई पेमेंट करो, ओपन करके दिखाता हूँ, जो कंपनी के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, पेमेंट करो, अगर उसमें से कुछ ऐसा वैसा निकलता वो उस टाइम उसको रिफंड हो जाना था, जितनी भी पेमेंट, चाहे वो ऑनलाइन करता जहाँ वो कैश ऑन डिलीवरी करता, तो अगर कुछ ऐसा निकलता, चाहे उसने जो चीज़ मंगवाई वो नहीं निकलती, तो उसको रिफंड हो जाना था उस टाइम, वो आगे कंपनी वाले देख लेते थे। बट इसने अंदर लिया पार्सल, फाड़ा उसको पार्सल को, फाड़ फूड़ के उसने से रिमोट, कोई गेमिंग रिमोट डाला, वो देखिए जानबूझ के अंदर लेकर गए हैं, आपके सामने अनबॉक्स नहीं किया उसमें, फिर उसके बाद ड्रोन निकाल के कुछ, ड्रोन निकाल के कुछ और उसमें डाला है, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल सर। कितने का, क्या प्राइस क्या था सर? प्राइस था 6,009 का पार्सल था इसका। इसकी जानकारी आपने कंपनी में दी है? जी बिल्कुल सर, मैंने उसी टाइम बता दिया था अपने HI सर को, तो वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है हमारी, आपका पूरी स्पोर्ट है, वो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पुलिस कंप्लेन करवाई है। कोई बात नहीं सर, पुलिस कंप्लेन हो गई सर, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने आपको दिखाया एप्लीकेशन ही है सर। नहीं, आपने पुलिस कंप्लेन की है ना? बिल्कुल सर, मैंने 100 पे कॉल करी, उसी टाइम मैंने कॉल कर दी थी, बट वो बोल रहे थे कि PCR बैन आ रही है, वो चाहे शायद कोड गई कहाँ पे, गंग्याल पुलिस स्टेशन है, तो मैं खुद भी गया, मुंशी जी ने मुझे कॉल किया था, मैंने खुद भी गया था कि सर ऐसी सी बात है, तो वो लड़का मुंशी जी को कॉल कर रहा था, तो मुझे बोलता है कि भाई एक बंदा आ रहा है पुलिस क्राइम करके आ रहा है भाई, पुलिस स्टेशन आ रहा। पुलिस आपको क्या कह रही है कि वो इधर आएगा, हमारे पास आएगा, हमारे खुद पास लेने नहीं आई है पुलिस, यहाँ पर स्पॉट पे नहीं पहुंची अभी तक, 4 बजे से आप यहाँ पर खड़े हैं, अभी तक समय हो गया लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर मेरी बाइक लगी है उधर, सारा कुछ वैसे क्या वैसा ही, मैं खुद, ये देखो ये भी लिखवाई है मैंने, जो भी एप्लीकेशन लिखवानी थी वो भी लिखवाई है बाहर से, कोई एक्शन जो है मतलब, जबकि स्टेशन एप्लीकेशन लेके आप पुलिस स्टेशन गए थे? खुद SHO सर से भी मिला था, वो जा रहे थे शायद, कुछ नहीं, वो उन्होंने बोला कि शायद दूसरे सर थे कोई, इनसे बात करिए, उनसे बात करी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, रुक जाओ 10 मिनट रुक जाओ, आप एक काम करो, आप गणेश सर हैं कोई, आप उनके पास जाइए, मैं उनके पास भी गया, वो बोल रहे नहीं आप हवलदार के पास, हवलदार सर के पास जाइए, मैं उनके पास भी गया, कोई नहीं सर। मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं है सर, कोई चीज़ नहीं, सीधी सी बात है कोई चीज़ नहीं। बाहर उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर नाका लगाया हुआ था, बोला सर 2 मिनट चलिए, मोहल्ले वाले ने भी इधर पकड़ के रखा था वो लड़के को,
उन्हें बोला सर, उनको पकड़ के रखा, ये सभी मोहल्ले वालों ने पकड़ के रखा हुआ था, रोक रखा था। बिल्कुल, दो तो वो तो चले गए, लड़की और लड़का। वो तो लड़की और लड़का कौन थे सर? मुझे नहीं पता, उनके नाउन में थे या क्या। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, उसने कुछ निकाला, राउंड वगैरह निकाला, लड़की ने शॉल में डाला और वो रफू चक्कर। आप कह रहे हैं कि वो जो लड़की और लड़का गए हैं, ड्रोन उनके पास है, वो लेकर गए? जी बिल्कुल सर। पुलिस को बता दिया सर? मैंने एक एक बात उनको बताई है, बट कोई सुनवाई जो है वो अभी तक नहीं हुई है। अजय जी, आप कहाँ रहते हैं? सर मैं प्रीतिपुर में रहता हूँ सर। रोज का आपका यही काम रहता है? पहली बार इस तरीके से इंसिडेंट? 7 साल हो गए सर यही काम करते हुए, ये पहला इंसिडेंट हुआ है मेरे यहाँ, बट ऐसा तो मेरे लाइफ में मतलब कभी नहीं हुआ सर ऐसा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, मैंने भी सुना है, मैं भी हैरान हो गया हूँ। हमने बड़ी बड़ी खबरें जो है वो कवर की हैं, लेकिन इस तरीके का मामला जो है पहली बार देखने को मिला है कि एक व्यक्ति जो है जो कि पार्सल डिलीवरी का काम करता है, और जब वो किसी के पास पहुंचता है पार्सल लेके, तो इनका काम ये रहता है कि ये जो जिसके जिसका पार्सल रहता है उसके सामने उसे अनबॉक्स करते हैं, करके उसके बाद उनको देकर फिर ये जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जिस व्यक्ति को ये पार्सल देने आए थे, उस व्यक्ति ने पार्सल लिया, अंदर गया और हथियार नाइफ दिखाकर इनको धमकाया गया है, इनको गाली गलौज भी की गई है। इसके बाद ये कहा गया है कि इस पार्सल अंदर जाकर जब इस पार्सल को खोलते हैं, तो उसके बाद उस पार्सल से जो है वो उन्होंने कहा है कि गेमिंग रिमोट जो है वो निकला है, गेमिंग रिपोर्ट निकला है। और अब ये सवाल उठता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन पुलिस कब इन्वेस्टिगेशन करेगी? मैं पुलिस को भी ये आग्रह करूंगा कि इस मामले पर गौर फरमाइएगा। अजय जी अपना काम 7 साल से कर रहे हैं, बेखूब तरीके के साथ कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, काफ़ी हैरान कर देती है। क्योंकि 6,000 कीमत है ड्रोन की, अगर वो ड्रोन नहीं मिलता तो वो जो पेमेंट है वो इनको करनी पड़ेगी। और आप लोग भी जानते हैं कि आजकल की इस दुनिया में काम किस तरीके से करना पड़ता है, एक एक पाई के लिए कितनी मेहनत लगती है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर 6,000 रुपया उनकी सैलरी से कट जाएगा तो फिर वो मुसीबत में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस की बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर पुलिस नहीं पहुँची है, ये इनका कहना है। लेकिन मैं पुलिस से आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करें, जांच करें, इस पूरे मामले की तह तक जाएं, आखिर ये पूरा मामला है क्या। और जो लोग इनके घर से तब निकले थे, लड़की और लड़का, जो फुटेज में दिख रहा है, मैं आपको शुरू में वो फुटेज भी दिखाऊंगा, जिस फुटेज में इस लड़के को धमकाया जा रहा है विद नाइफ के साथ, उसके साथ साथ पार्सल किस तरह का था, जिस जो रिमोट अंदर से निकला है वो लाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा काम है पूरी खबर आपके सामने रखना, और परफेक्ट एमलन की टीम हर वक्त आपके साथ रहती है और पूरी खबरें दिन भर की मैं आपके साथ पहुँचाता हूँ। लेकिन ये मामला जो है काफ़ी हैरान दे करने वाला मामला है। 4 बजे से अजय यहाँ पर खड़ा है और समय अब जो 8 बजने थोड़ा समय बाकी है, लेकिन अब ये हैरान कर देता है कि अब पूरी रात किस तरीके से अजय के साथ कैसे ये निकलेगी पूरी रात। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस को मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जल्द से जल्द इस मामले पर गौर फरमाइए और जल्द से जल्द इस मामले को देखकर इसकी कार्रवाई करें, ताकि अजय जी को इंसाफ मिले जिस तरीके से वो जो है 4 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल आप देखते रहें परफेक्ट एमलैंड, मेरे कैमरा पर्सन और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।